Hello guys, my name is AJ and you're watching Wrestle AJ. तो क्या हमको पॉसिबली जो कि हमारे कलाकार आदमी पॉल हेमन है, क्या वो हमको पॉसिबली WWE के रॉयल रंबल 2022 के पेपरव्यू में रोमन रिंस को अटैक करते हुए देख सकते हैं और क्या वो हमको मदद करते हुए देख सकते हैं हमारे द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस की WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने में। सो गाइस, पूरा डिटेल जानने के लिए ये वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप रोमन रिंस और सेथ रॉलिंस के बड़े वाले फैन हो और इनका मैच WWE के रॉयल रंबल के पेपरव्यू में देखने वाले हो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। ऑलमोस्ट एक महीने पहले जो कि हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंस है गाइस, उन्होंने पॉल हेमन को धोखा दिया और उन्होंने बहुत ही ब्रूटली अटैक किया पॉल हेमन के ऊपर। गाइस, रोमन रिंस ने पहले लगाया एक सुपरमैन पंच पॉल हेमन के ऊपर, फिर गाइस उन्होंने लगाया स्टील चेयर के अटैक, यानी उन्होंने किया नहीं वो करने वाले थे, तभी गाइस ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को सेव किया। तो क्या आपको पॉसिबली जो पॉल हेमन है गाइस उनके माइंड में थोड़ा रिवेंज हो सकता है? गाइस पहली बार जो पॉल हेमन बन रहा है गाइस उनके माइंड में गाइस रिवेंज तो हो रहा होता है, उनके पास पॉल हेमन है गाइस पास्ट में गाइस उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े चीजें किए रिवेंज के नाम पे। तो गाइस पॉल हेमन गाइस ये बार भी एक बड़ी चीज करते हुए दिख सकते हैं रिवेंज के नाम में, जो कि रहेगा रोमन रेंस को उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप कॉस्ट करना। गाइस मेरा को रिपोर्ट देखे जो WWE का जो शायद से गाइस वो सेथ रॉलिंस है गाइस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जिताते हुए दिखने वाले हैं WWE के रॉयल रंबल के पेपर में। अब गाइस WWE को गाइस ऐसा सीधा तो नहीं हरा सकती रोमन रेंस, क्योंकि WWE का बहुत ही बड़ा मैच प्लान है बिटवीन रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर फॉर रेसलमेनिया 30 है। तो गाइस रोमन क्लीन हारते हैं रेसलमेनिया 38 के बाद, मैच के लिए ज्यादा फैंस एक्साइट नहीं हो गए और हाइप नहीं हो गए जो कि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का होने वाला है WWE चैंपियनशिप के लिए। और अगर WWE रोमन रेंस को हरा ही रही है और उनकी चैंपियनशिप भी ले रहे, तो गाइस ऐसे रीजन से ले रोमन रेंस भी गाइस फिर से वापस आए ब्रॉक लेसनर के पास। गाइस अगर सेथ रॉलिंस रोमन को क्लीन हारा था, रोमन रेंस का एक ही चीज क्लियर बन जाएगी, फिर से सेथ रॉलिंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए जाए। लेकिन अगर गाइस पॉल हेमन रोमन रेंस को उनके यूनिवर्सल चैंपियनशिप कॉस्ट करते हैं रॉयल रंबल में, फिर गाइस जो रोमन रेंस है गाइस वो गुस्से की आग में फिर से ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के पीछे लग सकते हैं। WWE का पहले से इनिशियली प्लान था वो रोमन रेंस को गाइस फिर से एक फेस सुपरस्टार भी बनाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में रिपोर्ट आएगा WWE गाइस वो ऐसे बीच में ही, तभी गाइस फैंस वापस आने के बाद तभी गाइस क्राउड को देखते हैं कितना चीयर करती है रोमन रेंस को। गाइस ऐसे ही मौके पर गाइस वो रोमन रेंस को एक फेस सुपरस्टार भी बना देगी और ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन गाइस वो फिर से हील सुपरस्टार बनते हुए देख सकते हैं। इसलिए WWE गाइस वैसे के पता है पॉल हेमन को पहले से ही रोमन रेंस से बदला लेने का है और गाइस रोमन को चैंपियनशिप हारने की और सेथ रॉलिंस को जिताने का है, तो WWE एक ही ऑप्शन दिखा सकते हैं जो कि गाइस WWE रॉयल रंबल के पेपर में जो पॉल हेमन है गाइस वो हमको अटैक करते हुए देख सकते हैं रोमन रेंस के ऊपर और वो सेथ रॉलिंस की मदद करते हुए देख सकते हैं WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने में, जो कि एक बहुत ही बड़ा शॉकिंग चीज रहने वाला है रॉयल रंबल के पेपर में। और गाइस अगर सर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को कीजिए लाइक और गाइस हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, जिसके वजह से आपको हमारे चैनल के रिलेटेड सब अपडेट्स सबसे पहले मिले।